आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटे से टॉपिक के ऊपर लाइन, जिससे सिविल इंजीनियरिंग का कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे व्हाट इज लाइमस्टोन, व्हाट इज क्विक लाइम, फैट लाइम, व्हाट इज हाइड्रोलिक लाइम और स्लैक लाइम, ऐसा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये सब बनता कैसे। लाइमस्टोन एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हीटिंग करते हैं 550 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे कैल्सिनेशन भी कहा जाता है, कैल्सिनेशन। तो इसमें क्या फॉर्म होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्योंकि CO2 गैस है इसलिए ये क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ओके, CaO पड़ जाता है। CaO का और एक नाम है, वो एक क्विक लाइम और फैट लाइम। फिर ये जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर वाटर मिक्स करते हैं, ये प्रोसेस को बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, SLACKING, स्लेकिंग ऑफ लाइम। इसमें क्या फॉर्म होता है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हाइड्रोलिक लाइम और स्लैक लाइम भी कहा जाता है। लाइम मोटर में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, ठीक है। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे नाम तो है ही लाइमस्टोन, क्विक लाइम, ये सब अगर कहा जाएगा तो किसका क्या इक्वेशन है, आपको तो दिख ही रहा है किसका क्या फॉर्म है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो लाइमस्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम, फैट लाइम, वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोलिक लाइम और स्लैक लाइम कहते हैं। प्रोसेस का भी नाम व्हाट इज कैल्सिनेशन वो भी आ सकता है, व्हाट इज क्विक लाइम, व्हाट इज फैट लाइम, तो ये तो CaO हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, तो वो सब के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा।